नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है आत्मविश्वास से आर्थिक विकास की ओर। देखेंगे किस संदर्भ में अभी ये चर्चा में बना हुआ है, अर्थ और जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। समस्या समाधान के भावी विकल्प यानी कि इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं और जो हमारी सरकार है इसके द्वारा प्रयास क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए, जब भी अर्थव्यवस्था की या आर्थिक विकास की बात होती है तो अपने दिमाग में तुरंत आपकी आर्थिक स्थिति को ले आइएगा, फिर चाहे देश की हो या आपकी हो, यानी कि आपकी जो आय है, जो आपका खर्च है, उसी के बारे में बात की जाती है। जैसे हमारे देश की आय हो गई और व्यय होगा हो गया, उसी को आपका अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है एक तरह से, ठीक है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट हुई है। वैश्विक महामारी ने मानव संसाधन को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मानव संसाधन की कमी को भी महसूस किया जा रहा है। महामारी की तीव्रता से हो रहे प्रसार तथा कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सामाजिक व्यवस्था का इस प्रकार विघटन अनिवार्य रूप से आजीविका और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। एक बात याद रखिए आप लोग कि इस कोरोना महामारी ने सभी देश पर, चाहे कोई आपका विकसित देश हो, अमेरिका जैसे देश, अमेरिका को आपने देखा है कितनी बुरी तरह से अर्थव्यवस्था वहां प्रभावित हुई है। आप अपनी अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं, एक समय हमारी अर्थव्यवस्था 7.4 7.5 हुआ करती थी विकास दर, और आज आपकी जितनी भी रेटिंग एजेंसी है वो सब 1 से 1.5%, बहुत से बार 2.5% तक रेटिंग एजेंसियां विकास दर की बात कर रही है। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, COVID-19 के आने से बहुत कुछ हमें मतलब सीखने को मिल चुका है, बस हमारी सरकारें सीखे इससे, क्योंकि आपने देखा है किस तरह से हमारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था उजागर हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की, कि हमारे पास क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, ये आप आराम से देख भी पा रहे हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 का आर्थिक प्रभाव निरंतर चर्चा में बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों के बीच इस तथ्य का मतज्ञता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इतिहास में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र में आत्मविश्वास का संचार करना होगा। यदि जनता अपने स्वास्थ्य व आजीविका के प्रति अस्वस्थ होगी तो निस्संदेह है कि अर्थव्यवस्था में जन सहभागिता की वृद्धि भी होगी। और याद रखिए आप लोग कि मुझे पता है आपको क्या लगता है कि इतिहास का, अभी तक भारत के इतिहास की सबसे बुरी त्रासदी कई लोग इसे बता रहे हैं कोरोना को, समझ रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति हमारी कभी नहीं हुई है कि इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी हो, कोई काम धंधा ना चल रहा हो, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई हो। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि आपको अपनी सेफ्टी रखनी है और अपने परिवार की सेफ्टी रखनी है, क्योंकि आप सोचिए कि कई राज्यों के CM, आपके गृह मंत्री साहब को देख सकते हैं आप लोग, कि जब उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो हम लोग, मतलब वो लोग कितने सेफ्टी से रहते हैं, समझ रहे हैं। तो हमारी तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, मीडियम फैमिली के आदमी है, कि मतलब आना जाना लगा रहता है हर बार। तो अपनी जो भी दिमागी क्षमता है उसे मजबूत रखिए और आराम से सेफ्टी रखिए, कुछ नहीं होगा। बस अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के सामने समक्ष जो चुनौतियां हैं उनकी बात करें हम लोग, तो कोर उद्योगों में संकुचन जून 2020 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुबंधित 8 कोर उद्योग जैसे कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में 15% की कमी दर्ज की गई है। आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे आपके सभी परिवहन बंद पड़े हुए हैं तो कच्चे तेल का, मतलब तेल का कौन उपयोग करेगा? तेल का तो तभी उपयोग होता है जब आना जाना हो रहा हो, वाहन चल रहे हो बराबर पूरी तरह से। आपने देखा है ट्रेनें ठप पड़ी हुई, बसें ठप पड़ी हुई, आपका जो भी स्थायी वाहन है, मतलब आपका अपना वाहन है, वो भी ठप पड़ा हुआ है, तो कौन खरीदेगा? तो इन सब में गिरावट का देखी गई। बेरोजगारी में वृद्धि,
लॉकडाउन के कारण विभिन्न कारखाने व छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापार स्तर पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और बेरोजगारी दर में तीव्र वृद्धि भी हुई। ये मुझे लगता है ऐसे पॉइंट रहते हैं, अगर आप अच्छे से दिमाग लगाएं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब देखिए, बेरोजगारी में वृद्धि, यानी कि बेरोजगारी हुई है इस लॉकडाउन के चक्कर में, ये नॉर्मल सी बात है। आप सोचिए कि सभी उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, सभी जहां से नौकरियां उत्पन्न हो रही उन्हें बंद कर दिया जाएगा, तो बेशक है कि मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी में वृद्धि। ध्यातव्य है कि विगत कई वर्षों में भारत की बड़ी आबादी स्वयं को गरीब के दुष्चक्र से निकालने में सफल हुई थी, परंतु इस महामारी के कारण व्यापक स्तर पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, जिससे एक बार फिर बड़ी आबादी के गरीबी के दुष्चक्र में फंसने की संभावना है। आप समझ सकते हैं कि, सोचिए अपनी स्थिति तो आप लोग ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतनी सुविधा है कि 3-4 महीने से आप घर में बैठकर खर्च चला रहे हैं। उसकी सोचिए जो रेडी लगाता था, डेली रिक्शा चलाता था, अपना खर्च चलाता था, अपने गांव में भी अपने परिवार को पैसा भेजता था, जो मुंबई में रिक्शा चला रहा है या फिर दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, उनकी स्थिति आप सोचिए कभी। उन्हें भी सोचिए जो दिल्ली या मुंबई या सूरत इस तरह गुजरात में काम करते थे, अपना भी काम चलाते थे और परिवार को भी वापसी पैसा भेजते थे। 3-4 महीने से आप उनकी स्थिति को सोच सकते हैं। सरकार 500 रुपये दे रही है, आप सोचिए 500 रुपये में क्या होता है। आजकल 500 रुपये में आप रिचार्ज करवाते हैं फोन का, और खाने की आप समझ सकते हैं कि एक दिन का खाना का खर्च नहीं चलता है आराम से। सकल घरेलू उत्पाद, विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी संशोधित अनुमानों में GDP वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी का अनुमान लगाया है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके 6% से 2.1% कर दिया है, यानी कि अब 2.1% कर दिया है। और कई रेटिंग एजेंसियों ने मैंने बताया कि 1 से 1.5% ही बता रही है हमारी विकास दर। पहले आप सोचिए कि 6% की विकास दर रखी गई थी इसकी। रिवर्स माइग्रेशन, लॉकडाउन के कारण निर्माण विनिर्माण और तमाम आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से प्रवासी मजदूर महानगरों से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं, जिससे महानगरों की आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन में छूट देने के बावजूद सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। इन महानगरों में आने वाले कुछ समय तक मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिवर्स माइग्रेशन यानी कि एक प्रवासी शब्द आता है, या फिर जिसे आप लोग रिवर्स माइग्रेशन भी बोलते हैं। एक समझिए कि आप जब अपना घर बारी बार छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां आप प्रवासी कहलाते हैं। और आज क्या हो रहा है कि आप उल्टा आ रहे हैं, अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, यानी कि रिवर्स हो रहा है आपका, तो आप लोगों को ही रिवर्स माइग्रेशन कह देते हैं। आप सोचिए जो मुंबई, आपने कई वीडियो भी देख रहे होंगे अभी, कि जो होटलों वाले थे, जो काम करवाने वाले थे, उनके घर में लगे हुए थे, उन्हें वहां मुंबई में लोग बुला रहे हैं, मतलब मालिक बिहार से जो लगे हुए थे वहां काम करते थे उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि जो भी धंधे होंगे वहां लोगों की कमी पड़ ही रही होगी, क्योंकि अब आपने कुछ लॉकडाउन में छूट भी मिली हुई है, तो आप समझ सकते हैं यहां भी परेशानी हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग में गिरावट, लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां ठप है, परिणाम स्वरूप कृषकों की आय समाप्त हो गई है। कृषकों की आय समाप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मांग तेजी से घट रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO और नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि के दौरान ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर रही है। न्यून कृषि गतिविधियां, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि संपन्न राज्यों में व्यापक तौर पर कृषि कार्य किया जाता है। रिवर्स माइग्रेशन के कारण इन राज्यों में खड़ी फसल को काटने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल पाए, जिससे खड़ी फसल बर्बाद हो गई और जिससे किसानों ने अगली फसल की बुआई नहीं की। आप जानते हैं कि देखिए, खेती में 2-3 बार ही मतलब मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बुआई के समय, अगर बीच में कुछ न्याय म्याई का काम, मतलब कुछ आप देखते हैं कि उसमें घास हो गया आता है, उसे निकालने का काम होता है, तब भी मजदूरों की जरूरत होती है। तीसरा लास्ट टाइम जब आप समझते हैं कि जब कटाई का टाइम होता है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कटाई से मतलब हमारे यहाँ की जो भी फसल खड़ी हुई थी, तभी आपके देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तभी आपके, आप सोचिए कि पंजाब में जो बाहरी
लोग रहते थे, बिहार के हों, फिर चाहे आपके उत्तर प्रदेश के हों, फिर चाहे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हों, इन सबको वापस घर भेज दिया गया। तो वहां जो भी कटाई का काम था वो भी ठप पर प्रभावित हुआ है। उत्पादन में कमी, लॉकडाउन के कारण उद्योगों में काम न होने से उत्पादन में गिरावट हुई है, किंतु लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी मानव संसाधन की आपूर्ति ना हो पाने के कारण इन उद्योगों में पुनः उत्पादन होने की संभावना काफी कम है। क्योंकि आप देखिए, उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो उत्पादन कहाँ से होगा। अब आपने देखा है कि लॉकडाउन खुल रहा है तो उत्पादन चालू हो रहा है, लेकिन बिना वहां जो भी मानव पूंजी थी, जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक उत्पादन कैसे होगा। और आजकल आप जान रहे हैं कि आदमी बहुत डर रहा है, क्योंकि उसने एक बार जो झेल लिया है, आप समझिए कि जब मुंबई में मतलब काम करवाने वाले 1,000 थे, लेकिन आप सोचिए कि जब उन्हें घर जाना था तब किसी ने मदद नहीं की। कोई कुछ ही समाजसेवी संगठन सड़कों पर आए, उन्हीं ने मदद की। आप सोचिए किसी नेता ने जिम्मेदारी ली हो, इन्हें घर भेजा गया, ऐसा नहीं हुआ। तो वो लोग डर रहे हैं कि घर में कम से कम अभी पता नहीं आगे क्या इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तो झेलने लायक वो रह नहीं गए हैं। आर्थिक आपातकाल की संभावना, लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में विकास का आर्थिक चक्र घूमना बंद हो चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्चों में कटौती के साथ अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की गई तथा अनावश्यक व्यय पर रोक लगाने हेतु आर्थिक आपातकाल के विकल्प पर भी विचार हो सकता है। अब बात करते हैं समस्या समाधान के भावी विकल्प क्या हो सकते हैं। भारत को कुछ तत्कालिक नीतिगत उपाय की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करे, बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हो। आप समझिए कि यही बात की जा रही, कई अर्थशास्त्रियों ने भी आपके देश को सलाह दी हुई, हमारे देश को, कि देखिए डायरेक्ट अगर आप किसी के खाते में 2500 या 3000, 4000, 5000 रुपये महीने के भेज देते तो क्या होता, उनके पास पैसा होता। और आप सोचिए कि जब पैसा होता है व्यक्ति के पास तो डिमांड होती है, यानी कि मांग होती है, और मांग होगी तभी तो आप उत्पादन करेंगे। आप जनता के पास पैसा बचा नहीं है, आप किसी चीज का उत्पादन कर दीजिए, कौन खरीदेगा, समझ रहे हैं आप लोग। इससे क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था को मतलब चलने लगती है, एक मतलब उसका स्टार्ट होने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर करने के लिए सरकार को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा है कि आपको इससे सीखना चाहिए, कोरोना महामारी से हमें सीखना चाहिए, और हमें स्वास्थ्य की अपनी भी जो भी क्षेत्र है उन्हें अच्छा करना चाहिए। लेकिन ये ना तो हम कभी सीखे हैं ना ही सीख सकते हैं। अगर हमने यही सीख ली होती तो आज हम लोग इतने प्रभावित नहीं हुए होते अपने कोरोना, अपने देश को कोरोना से इतना प्रभावित कभी नहीं होने देते। आप सोचिए जब चीन से दूसरे देशों में फैल रहा था, अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था, तभी हमें अपने आप व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। और आज देखिए हम लोग नंबर वन पर पहुंच गए केसों के मामले में, डेली केस के बारे में, समझ रहे। तो ये हालत है। विश्लेषकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सही ढंग से तैयार किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। याद रखिए इससे फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन हाल में अभी सोचिए कि लोगों को पैसे की जरूरत है। इससे बेशक इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इसमें क्लियर है कि होगा, फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी हाल में हमें डायरेक्ट पैसे की जरूरत थी हर किसी को। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने की पिछड़े राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। हमारे सामने चीन एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करना केवल बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया, बल्कि देश की अवसंरचना को भी मजबूती प्रदान की। भारत को के सभी राज्यों को श्रम कानूनों में सुधार करना चाहिए, ताकि घरेलू निवेशकों को निवेश करने की तो प्रोत्साहन किया जा सके। इस प्रकार निवेशकों में आत्मविश्वास के संचार की
आत्मविश्वास की संचार किया जा सकता है जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। विदेशी निवेशकों में चीन के प्रति शंका भारत के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है, क्योंकि कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट कर बाहर जाना चाहती हैं। ऐसे में भारत को निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की शीघ्र ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। ऐसे में एक सार्वजनिक समर्थित नीति, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिकों के समर्थन के माध्यम से एकीकृत बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने की भी आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महामारी ने से बचाव का एक बेहतर विकल्प आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग है, अर्थात आपका एक दूसरे से दूर होना, शारीरिक दूरी। भारत की घनी आबादी को देखते हुए यह आवश्यक है हो जाता है कि वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करना जरूरी है। एक बात और आप सोचिए, नॉर्मल सी बात है कि आपके देश में इतनी आबादी है और आपने पहले भी बोलता आया हूं कि अगर हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। आज आप देख रहे हैं कि आपके देश में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं डेली के, और आप सोचिए अभी तो कोई इसकी वैक्सीन आने की संभावना भी नहीं है। कहा जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी के आसपास आएगी। आप समझिए कि अभी हमारे पास इतने महीने हैं, क्या स्थिति बनेगी। इसलिए अपनी ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, समझ रहे, और लोगों को भी जागरूक करते रहिए। अगर हम ना सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की बात करें तो भारत से दुनिया की उम्मीदें बढ़ी है, क्योंकि COVID-19 महामारी संकट के दौरान भारत ने दुनिया भर में विश्वास जीता है। अतः कॉरपोरेट सेक्टर को इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। यह पैकेज COVID-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिए गए निर्णय को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए का। इस पर भी कई सवाल उठे हैं आपके, समझ रहे। और आप ही सोचिए, आत्मनिर्भर हम कब बन सकते हैं? जब हमारे पास पूरी सुविधा हो। हमें दूसरे देश पर अगर निर्भर है भी तो हम उतना ही निर्भर है जितना कि वो देश हमारे ऊपर निर्भर है, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज आप फोन के देख लीजिए, फोन के मामले में, मोबाइल कंपनियों के मामले में, कि अगर आपके यहाँ 5 फोन बिक रहे हैं तो उसमें से 4 फोन चाइनीज कंपनियों के बन कर रहे हैं, और आपके यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि कच्चा माल, जितनी भी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उसका कच्चा माल 70% तक आप चीन से निर्यात करते हैं। तब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जब तक हम अपने देश में बड़ी मात्रा में, मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर ना कर लें सभी लोग। यह आर्थिक पैकेज भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता कानून पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों को सीधे प्राप्त होगा। सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्यम लघु ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। अतः MSME की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी। सरकार ने आर्थिक पैकेज में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के वितरण कंपनियों और अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर बल भी दिया है सरकार ने। आयुध निर्माणी बोर्ड का निर्माण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके। सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए व्यवहारता अंतराल अनुदान योजना को प्रयुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार COVID-19 से जुड़े ऋण को इंसॉल्वेंसी कार्रवाई शुरू करने का आधार नहीं माना जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए दिवालियापन से जुड़ी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, यानी कि अगले आपके 1 वर्ष के लिए इस तरह के रोक दिया गया है इस प्रक्रिया को। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा
कार्यक्रम के तहत 62 मिलियन लोगों ने रोजगार की मांग की। मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों के लिए प्रावधान है। वे अपने क्षेत्र में प्रतिदिन 150 दिनों की कार्य अनुमति देने के लिए संबंधित प्राधिकरण से योजना के विस्तार का अनुरोध कर सकते हैं। आप देखिए, मनरेगा ने काफी हद तक लोगों की मदद की, बस इसमें एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मतलब एक तरह से समस्या खड़ी हुई है। कभी अभी कल ही परसों में आर्टिकल पढ़ रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन लगा और मनरेगा पर बल दिया गया तो इसमें भ्रष्टाचार भी कई जगह देखने को मिला है। उन्होंने फर्जी मनरेगा कार्ड बना दिए और मजदूरों को मतलब एक तरह से ठगा भी गया है। तो इसमें भी एक पारदर्शिता होना चाहिए और इस पर एक बहुत अच्छे से मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के आर्थिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तत्काल नगद हस्तांतरण हेतु सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना पर विचार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक मतलब हर वर्ग को एक मतलब जो इनकम का एक हिस्सा देना चाहिए, मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? तो देश के नागरिकों की सशक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है, यानी कि देश के नागरिकों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सके और बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। भारत को इच्छा शक्ति, समावेशन, निवेश और बुनियादी ढांचा और नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है और 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों को की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी आत्मविश्वास से आर्थिक विकास की ओर की बात की जा रही है, जाने की बात की जा रही है, ठीक है।